बैठे हुई संगत को यही बेनती करांगा कि एक बारी फतेह का जवाब फतेह दे विच हो दियो। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। आज ऐसे महान पुरख, ऐसे करामाती, ऐसे महान योद्धा जिसकी असी गल करिए, किसी वास ये कहने कि महान तपस्वी होया से, और किसी वास कहने महान योद्धा होया से, इसने ये काम किया है। मगर अज जिस महान पुरख का असी आगमन पुरख मना रहे हाँ, असी अगर उसकी गल करते हाँ तो असी ये कहने हाँ कि वह तपस्वी भी सी, वह दुष्ट दमन भी सी, वह महान योद्धा भी सी, और ऐसी शख्सियत सी वो जरा शहीद पिता का पुत्र सी, तो शहीद पुत्रा का पिता से, जरा दुनिया के इतिहास के इतिहास किधर होर नहीं मिल सकता। ऐसे दिन उस शख्सियत ने जन्म लिया जिसनों असी शनिवार और इतवार की रात 22 दिसंबर 1666 कहने हैं, और इसी ही तरीक न उसने अपने पुत्रा की आहुति चमकौर की जंग 22 दिसंबर में ही दी। कोई इतिहास के विचकार मेरे ख्याल ऐसा सानू दूसरा उदाहरण नहीं मिल सकता। असी अगर गुरु गोबिंद सिंह साहब के जन्म तो पहले के इतिहास को अगर असी वेखने हाँ तो 712 ईस्वी तो लैके हूँ तक अगर अगर असी इतिहास वेखने हाँ, पिछले 100 साल का या 70 साल का इतिहास छड़ के, तो असी यही वेखने हाँ कि हिंदुस्तान के बाहरों हर समय से समय समय से हमला होता रहा। कभी गोरिया ने, कभी खिलजिया ने, और कभी मुगला ने, और कभी पठाना ने। बाबर के रूप के हिंदुस्तान के मुगल बादशाह है, उस समय गुरु नानक का समा से निर्मल पंथ चलाने वाले गुरु नानक ने भी किधरे कुताही नहीं वरती, और बड़े ही स्पष्ट शब्दों के विचकार बाबर ने कहा, पाप की जंच काबलो आया जोरी मंगे जानवे, पाप की जंज काबलो, पाप की जंज ले काबलो ताया जोरी मंगे दानवे लाल, कह के उन्होंने बाबर नू उस समय भी छ। उपरांत जो जो समय निकलता गया, आप सब नू पता है कि बाबर ने भी एक समय गुरु नानक साहब नू भी जेल दे विच बंद करता से, और जिस समय उसने वेख्या कि मैं अगर जी कणक पीसन वास्ते दिती है, चक्की अपने आप चल रही है, उसको खबर मिली तो वह गुरु नानक साहब के दर्शन करने भी उत्थे पहुंचा, और उसने गुरु नानक साहब तो भी आशीर्वाद मंगया, और गुरु नानक साहब ने उन्होंने 6 कुल्लां का आशीर्वाद दिता। जिस टाइम वह 7वीं मुठ पा लगे उसकी चोली के विचकार, उन्होंने रोक ली, कह लगा महाराज आपने मैं 6 कुल्लां का दिता है, कहन बस इतने ही बहुत हो चुकी है। कि महाराज उस समय ही नज़र आ रहा है कि आने वाले समय के जो मुगलों का जुलम होना है, वह उसने इस धरती के उत्ते बहुत ही जुलम करना है। हमेशा मुगलों की कोशिश यही रही कि एको ही एक होना चाहिए, अगर हिंदुस्तान एक है तो वो एक ही रहेगा। मगर सिखी को जितना भी तुम सराहोगे, सिखी ने एक अनेक कर दिता। अज भी अगर तुम हिंदुस्तान का अगर उदाहरण देंगे हो तो यही देंगे हो, अनेकता में एकता, भारत एक है मगर इसमें रहने वाले धर्म अनेक है। तो ये अगर है आज पॉसिबल तो ये केवल और केवल गुरु नानक का पंच गुरुआ तक जिम्मे हमने दस रहे थे कि गुरु अर्जन देव जी ने शहादत दी, जबे बाण लागे हो तबे रोस जाते हो। गुरु अर्जन देव जी ने शहादत दी, गुरु हरगोबिंद साहब ने अगों मीरी पीरी की तलवार बाबा बुढ़े जी ने उन्होंने पवाई, और उस तो बाद फौजा का गठन होना शुरू हो गया। बहुत ही सुंदर बाणी है, पंज प्याले पंज पीर छठम पीर बैठा गुर भारी, अर्जन काया पलट के मूरत हर गोबिंद सवाल। साड़िया फौजा सजनिया शुरू हो गई, लोगों के विचकार यही संदेश जाना शुरू हो गया कि हुण अगर गुरु घर के आओ तो ऐसी चीज़ा लैके आओ जिदे नाल असीं जुलम का मुकाबला कर। समा चलिया, समा चलता होया गुरदेव बहादुर साहब ते पहुंचे। गुरदेव बहादुर साहब ने आप सबनों पता है कि 22 साल भोरे दे विच तपस्या की, बड़े बड़े तपस्वी हिंदुस्तान दे विच होए हैं, और असी यही वेखने हाँ कि मंगिया
कहना भाई मैनू ब्रह्म अस्त्र दे दियो, मैनू शिव अस्त्र दे दियो। तो भाई की करेगा कि हाँ एक शस्त्र चलावांगा हजारों की फौज मर जाएगी। मगर गुरु तेग बहादुर साहब ने अगर भक्ति की 22 साल भोरे के बिच रह के तो मंगिया कि ऐसा पुत्र जिहड़ा धर्म की रख्या के लिए खड़ा हो जाए। उन्होंने ऐसे पुत्र की प्राप्ति हुई जिसने खालसा पंथ की स्थापना की। मेरे तो पहले बहुत सारे वीर ने गुरु तेग बहादुर साहब की शहादत को दसिया है। अगर असी सिखी की कितने भी गल कर चले जाइए या गुरु गोबिंद साहब की असी तारीफ की गल करिए तो असी तारीफ नहीं कर सकते। केवल तो केवल 42 साल का उन्हों का जीवन रहा, मगर असी 42,000 साल भी अगर उन्होंने तारीफ कर लीए तो असी नहीं कर सकते। बहुत ही सुंदर अल्लाह यार खां योगी ने गल कही है, कहता करतार की सौगंध है नानक की कसम है, जितनी भी हो तेरी गोविंद की वो कम है, हर चंद मेरे हाथ में पुरजोर कलम है, हर चंद मेरे हाथ में पुरजोर कलम है, सतगुरु के लिखू बस कहां ताबे रकम है, हर चंद मेरे हाथ में पुरजोर कलम है, सतगुरु के लिखू बस कहां ताबे रकम है, एक आंख से क्या बुलबुला कुल बहर को देखे, साहिल को देखे या मझधार को देखे, साहिल को देखे या मझधार को देखे। उस इतने बड़े लिखारी ने अपने पूरे जीवन में कहना अगर मैं गुरु गोबिंद सिंह साहब की तारीफ करा तो मेरा पूरा जीवन एक बुलबुले का। अगर मैं सारी उम्र लिखता भी रहा तो मैं उस इंसान की तारीफ के विचकार कुछ भी नहीं लिख सकता। पर अज असी उस शख्सियत का आगम पुरख मना रहे हैं। और अगर असी उस समय के हालातों को वेखिए तो हालात बहुत माड़े से। औरंगजेब के जालम और जबर की तलवार इस तरीके से चल रही थी कि उसकी इको ही सोच सी कि मैं इको ही धर्म इस मुल्क के विच रहन देना। जगह जगह उसने अपने 4 तख्त बनाए हुए थे, एक तख्त दिल्ली, एक आगरा, एक लाहौर, एक कलानौर। असं कई बार वेखने कि सिखा ने 5 तख्त बनाए, ये उसका जवाब से कि जितों उन्होंने हिंदू कौम को मुसलमान बनाने की कोशिश की ये सारे उन्होंने सेंटर सन, जितों वो हर तरीके दे नाल ये कोशिश करते सन कि असी लोगों को धर्म बदलना है, इको ही धर्म मुमिन इस हिंदुस्तान दे विच असी रहन देना है। मगर अज भी उन्होंने अफसोस होगा और सानू इस गल की बहुत ही खुशी है कि असी एक नहीं अज भी हिंदुस्तान दे विच 4-4 धर्म लै के चलते हाँ, जो दुनिया के विचकार सब तो वड्डा एक उदाहरण है कि आनंदपुर साहब दे विच गुरु गोबिंद सिंह साहब ने 1699 दे विच खालसा पंथ की साजना की। उस तो पहला पिता की शहादत दी, 9 साल की उम्र में उन्होंने पिता को दिल्ली भेजिया। आप सबनों यह वेख के हैरानी होगी कि 1666 का उन्होंने जन्म और 1682 के 16 साल की उम्र उस इलाके के विचकार उन्होंने एक नगाड़ा बनवाया जिसका राह उन्होंने रंजीत नगाड़ा रखे और जड़ा सवेरे शाम वो नगाड़ा बजाया जाता से और उस तो पहाड़ी राजों को बहुत ही दिक्कत होंगी सी, पहाड़ियाँ राजे नाल भी उन्होंने युद्ध होए, मगर उन्होंने अपनी फौज कट्ठे करते हुए दिल्ली के राज के नाल मुकाबला किया।